नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं HL के एग्ज़ाम के बारे में, कैसा पेपर था और किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आए हुए थे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो एग्ज़ाम था वो 13th अगस्त आज है और सेकंड शिफ्ट में हमने एग्ज़ाम दिया है। इसके पहले एक शिफ्ट में और एग्ज़ाम हो गया है मैकेनिकल वालों का और एक शिफ्ट में और अभी होने वाला है, तो वो चल रहा होगा। तो बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आए हुए थे, जिसमें कि अगर जनरल नॉलेज की बात करें, जीएस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस थे। तो सिंपल ही था ऐसा, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टफ था या कि बहुत सिंपल था, इस तरीके से नहीं था, मॉडरेट लेवल का था जीके, जिसमें एक उन्होंने पूछा हुआ था कि आर्टिकल 16 के बारे में और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए आर्टिकल 16 होता है उसके बारे में पूछा था उन्होंने। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है वो क्वेश्चन था। और ये था कि IPL में सनराइज़र्स हैदराबाद में जम्मू कश्मीर से कौन सा खिलाड़ी है इस साल, तो अब्दुल समद होगा शायद। इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आए हुए थे जीके में। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में एक पैसेज था और ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत सिंपल थी इंग्लिश, ऐसा नहीं है, इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट से टफ़ी था, जिसमें कि अगर कुछ आर्टिकल के क्वेश्चंस वगैरह छोड़ दें तो जीके थोड़ा ठीक था और इंग्लिश भी थोड़ा ठीक था। और फिर इसमें रीजनिंग और एप्टी दोनों मिक्सचर था और रीजनिंग एप्टी भी एक मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं, जिसमें कि नंबरिंग सीरीज़ जो थी वो सिंपल ही थी, उतना ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। बाकी दो चार क्वेश्चन एप्टीट्यूड से था, वो थोड़ा टाइम टेकिंग था हल्का सा, बाकी जिन्होंने भी प्रैक्टिस किया है तो बन जाएगा बड़े आराम से। फिर बात करते हैं टेक्निकल की, तो सबसे बड़ा कैच यही है, टेक्निकल थोड़ा ठीक था। मुझे जो लगा कि आप 15-16 क्वेश्चंस छोड़ दें जो कि एकदम रट्टा टाइप के रहते हैं, तो उस तरीके से अगर क्वेश्चंस छोड़ दें तो फिर जो टेक्निकल है वो थोड़ा उन्होंने अच्छा बनाया हुआ था, क्योंकि कैड कैम से थे लगभग 10 सवाल के आसपास, जिस तरीके से कि कैड में अगर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो जो नंबरिंग दिखाने के लिए रहता है, लेंथ दिखाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली किस तरीके से किस रंग में दिखता है या कि मिड पॉइंट किस रंग में दिखता है, इस तरीके से था। और कौन सा ऑटोमेटिक है, कौन सा सेमी ऑटोमेटिक है, मिलर है कि, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो यूजुअली आते नहीं है एग्ज़ाम्स में, मतलब इस तरीके से नहीं था कि आप पिछले एग्ज़ाम्स का रट के गए हैं तो यहाँ जाके आप परफॉर्म कर देंगे, इस तरीके से नहीं था। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके तभी आप कर पाएंगे। इसी तरीके से सब में था एकदम थोड़ा अच्छा था टेक्निकल वगैरह बोल सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने लगभग, मैं अपनी बात करूं तो अप्रोक्स 60 के आसपास हमसे टेक्निकल एकदम सही सही बन गया है और जीके 10-12 तो सही ही होंगे। और जैसा मतलब बहुत अच्छा ज़्यादा कुछ था नहीं, अब देखते हैं कैसा बाकी में गया है और कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या कैसे करते हैं लोग। रिज़ल्ट वगैरह का आ ही जाना है 2-3 दिन में, तो आ ही जाएगा। फिर बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर नहीं था, मतलब जिस हिसाब से जाना चाहिए सिलेक्शन लेने लायक, तो उस हिसाब से नहीं था। बाकी कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा हैं और सीट्स वगैरह भी बहुत कम है, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा और कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही हैं इस तरीके से।